लड़ाई मत करना अपने अपने। दिल्ली की सत्ता में 2013 से काबिज आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव जीतकर सरकार बनाई। इसके बाद से पार्टी ने कई चुनाव लड़े और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी भी बन गई। लेकिन इस बार हरियाणा के चुनाव में पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन को लेकर काफी कोशिशें की जो कामयाब नहीं हुई। सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बनी और पार्टी ने अकेले सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए। दोनों दलों में कई दौर की बातचीत हुई लेकिन ये बातचीत जमीन पर नहीं उतर सकी। इंडिया अलायंस के इन दो पार्टनर्स के अलावा समाजवादी पार्टी भी यहां पर दो सीटों पर दावा कर रही थी लेकिन कांग्रेस पार्टी से बात नहीं बन पाई। बताया गया कि कांग्रेस पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता आम आदमी पार्टी से गठबंधन के पक्ष में नहीं थे। हरियाणा चुनाव के परिणाम और रुझान ये बता रहे हैं कि दोनों दलों को गठबंधन ना होने का नुकसान होता दिख रहा है। फिलहाल हरियाणा में पार्टी को कहीं भी एक सीट भी मिलती नहीं दिख रही। रुझानों से साफ हो गया कि पार्टी को राज्य के लोगों ने अपना मत नहीं दिया है। पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो भी हरियाणा में इतनी बुरी हार से काफी ज्यादा हताश नजर आ रहे हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी की जनता के बीच पकड़ काफी कम नजर आ रही है। यहां की 90 सीटों में से एक में भी आम आदमी पार्टी रुझानों में आगे नहीं दिखी। इससे साफ है कि पार्टी को राज्य के लोगों ने पूरी तरह से नकार दिया है। यह भी साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जहां जहां मजबूत होती जा रही है वहां पर आम आदमी पार्टी का ग्राफ नीचे आ रहा है। अपने जन्म के साथ ही आम आदमी पार्टी ने ज्यादातर कांग्रेस को ही सीधे नुकसान पहुंचाया है। एक बात और जो साफ नजर आ रही है कि मुस्लिम वोटर्स का रुझान कांग्रेस की ओर फिर से जाता दिख रहा है। अब ये बात आम आदमी पार्टी के लिए सबसे चिंता का कारण होगा। अगले साल के आरंभ में यानी कुछ ही महीनों में दिल्ली विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए इस प्रकार के नकारात्मक परिणाम पार्टी कार्यकर्ताओं के जोश को कम जरूर करेंगे। ऐसे में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पहले ही पद छोड़कर चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। दिल्ली चुनाव से पहले हरियाणा चुनाव के परिणाम इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं के लिए काफी मेहनत भरे होने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों हरियाणा में आम आदमी पार्टी की मौजूदा स्थिति को लेकर आपका व्यक्तिगत नजरिया क्या कहता है, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की तमाम सियासी खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए वीके न्यूज के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यूं ही जुड़े रहें। अब चुनाव आने वाले हैं, पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। अभी तो पता नहीं नतीजे क्या हैं लेकिन आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में ले लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है, मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना अपने अपने MLAs के साथ, लड़ाई मत करना, सब लोग मेहनत करना। मेहनत नहीं करेंगे तो, और इस चुनाव के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आपका होगा क्योंकि अब हम MCD में हैं। जनता उम्मीद करती है भाई बेसिक चीज़ है सफाई तो करेंगे, बाकी चीज़ें तो जनता माफ़ कर देगी, सफाई तो करेंगे। अपने अपने एरिया में घूम घूम के कोशिश करो कि कूड़ा उठ जाए डेली झाड़ू लग जाए, कूड़ा उठ जाए डेली झाड़ू लग जाए। उतना काम अगर आप करा देंगे मुझे उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। अपने अपने इलाके में इतना कर देना मेरे कहने से, लड़ना मत, लड़ाई झगड़ा अप्रैल में कर लेंगे। अपना ही परिवार है, परिवार में लड़ाई झगड़ा तो होता ही है, उसमें कोई गलत बात नहीं है लड़ने झगड़ने में, लेकिन अब लड़ाई झगड़ा हम अब मार्च अप्रैल में करेंगे। अभी चुनाव जीतना एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फरवरी के महीने में चुनाव है, हम सबको मिलकर उसके लिए काम करना है।